एमएसएमई मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट सोलन के द्वारा हमीरपुर के सीनियर सेकेंडरी बार स्कूल में जिला स्तर पर निबंध लेखन चित्रकला एमएसएमई विषय के बारे में प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बार स्कूल के अलावा अन्य स्कूलों के बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में 9वीं से 12वीं कक्षा तक के बच्चों ने हिस्सा लिया। एमएसएमई मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट सोलन के द्वारा हमीरपुर के सीनियर सेकेंडरी बाल स्कूल में जिला स्तरीय निबंध लेखन चित्रकला एमएसएमई विषय पर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बाल स्कूल के अलावा अन्य स्कूलों के बच्चों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। प्रतियोगिता में 9वीं से 12वीं कक्षा तक के बच्चों ने हिस्सा लिया। एमएसएमई विषय पर बच्चों को जानकारी दी गई और बच्चों को इस एमएसएमई विषय के बारे में कितनी जानकारी है उसके बारे में जाना गया। इस दौरान कार्यक्रम में स्कूल प्रिंसिपल के अलावा पूरा स्टाफ मौजूद रहा। बात करें, मैं आचार्य इन चीजों की बात नहीं कर रहा, और भी दूसरे हैं, जैसे आप ब्यूटी सेंटर में हैं, ब्यूटी पार्लर। स्कूल की प्रिंसिपल मंजू ठाकुर ने बताया कि सीनियर सेकेंडरी बाल स्कूल में निबंध लेखन चित्रकला एमएसएमई विषय पर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के सभी बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। उन्होंने कहा कि बच्चों को कंपटीशन में हार या जीत के लिए हिस्सा नहीं लेना चाहिए, बल्कि अपनी सोच को और उसको किस विषय में कितनी जानकारी है उस लक्ष्य को लेकर हिस्सा लेना चाहिए। कंपटीशन जो है, मैंने हमेशा आप लोगों को कहती हूँ कि कंपटीशन में आप लोगों ने जीतने और हारने के लिए नहीं, कंपटीशन फाइट करना है अपनी सोच को बढ़ाने के लिए। जो आपके अंदर एक सोच है, चाहे वो किसी भी फील्ड में है, जैसे आज का आपका जो विषय है वो एक बहुत ही अच्छा विषय है, जो कि एक करंट विषय है कि हम डिग्रियों के लिए तो बहुत सारी फाइट करते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, पेपर वर्क करते हैं, लेकिन हमारे अंदर स्किल डेवलपमेंट होना बहुत ही जरूरी है। वहीं सोलन के सहायक निदेशक शैलेश सिंह ने बताया कि हमीरपुर के बाल स्कूल में एमएसएमई विषय पर जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें काफी बच्चों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता के माध्यम से पता चला कि बच्चे एमएसएमई विषय के बारे में कितना जानते हैं और इससे संबंधित जानकारी भी दी गई। उन्होंने बाल स्कूल के अध्यापकों और अन्य जिलों से आए बच्चों और अध्यापकों का धन्यवाद किया कि उन्होंने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट सोलन चम्पाघाट की तरफ से ये प्रोग्राम जिले स्तर पर आयोजित करवाया जा रहा है। इस प्रोग्राम का आयोजित करवाने का उद्देश्य ये है कि 9वीं से लेकर 12वीं तक के पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं उनके माध्यम से ये पता चल सके हमारी सरकार को, हमारी पूरी मिनिस्ट्रीज़ को, कि पर्टिकुलर ज़िले हमीरपुर में कौन सी ट्रेडिशनल आर्ट्स हैं और इनका कॉमर्शियल वायबिलिटी या स्कोप वगैरह क्या होगा आगे चल के, और एमएसएमईज़ के बारे में ये बच्चे कितना जानते हैं। और इस ऐसे कंपटीशन के माध्यम से हम ये चीज़ भी जान पाएंगे कि इन बच्चों को अभी कितनी जानकारी है एमएसएमईज़ की, और इसको लेकर के हमें फ्यूचर में क्या चीज़ें डिसाइड करनी चाहिए, और किस तरीके से इन बच्चों को सिर्फ सरकारी क्षेत्र में रोज़गार के अवसर ही नहीं, अन्य संगठित क्षेत्रों में रोज़गार के क्या अवसर हैं, और इनको उस लायक बनाने के लिए इन स्कीम्स का, जो मिनिस्टर ऑफ एमएसएमई की स्कीम्स हैं, फ्यूचर में इन स्कीम्स के माध्यम से भी कैसे लाभान्वित किया जा सके, इन सारी चीज़ों के लिए ये आज दो प्रतियोगिताएँ वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बॉयज़ में हम आयोजित करवा रहे हैं। और हम ये आशा करते हैं कि ज़िले स्तर की इस प्रतियोगिता के माध्यम से हमें वो सारी जानकारियाँ मिलेंगी जो आगे भविष्य में चल करके इन बच्चों के भविष्य के लिए बेहद ही लाभप्रद होंगी। साथ में ज़िले की जो ट्रेडिशनल आर्ट है उसके बारे में भी हमें बहुत सी चीज़ें इन बच्चों के माध्यम से, क्योंकि ये बच्चे आने वाले समय का भविष्य हैं, और इस प्रतियोगिताओं के माध्यम से हम ये जान सकेंगे कि इस ज़िले में क्या ट्रेडिशनल चीज़ें हैं और उनका क्या स्कोप, क्या कमर्शियल वायबिलिटी निकल कर के आती है।
वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।